नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल और मैं हूं पंकज कुमार। आपका स्वागत है हेल्थ शो में, जिसका मकसद है आपको सेहतमंद रखना और आप तक हेल्थ से जुड़ी हर जानकारी पहुंचाना। हम सब जानते हैं कि लाइलाज बीमारी जब आखिरी स्टेज में चला जाता है तो अमूमन ऐसे मरीजों को डॉक्टर घर भेज देते हैं। वहीं लाचार घर वाले भी दर्द से तड़पते मरीज के आखिरी सांसें गिनने का इंतजार करते रहते हैं। ऐसे ही मरीजों और उनके घर वालों के दर्द पर मरहम लगाने के लिए पैलिएटिव केयर की शुरुआत हुई है, ताकि लाइलाज बीमारी के आखिरी स्टेज से जूझ रहे मरीजों का दर्द कम करने के साथ साथ उनकी पूरी देखभाल हो सके। इसी महत्व को समझते हुए 9 अक्टूबर को वर्ल्ड हॉस्पिस एंड पैलिएटिव केयर डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों खास है ये दिन, आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं फाउंडर एंड प्रेसिडेंट ऑफ धर्मशिला कैंसर फाउंडेशन एंड रिसर्च सेंटर डॉक्टर सुवर्षा खन्ना। डॉक्टर खन्ना, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू। मेरा पहला सवाल है डॉक्टर खन्ना आपसे कि पैलिएटिव केयर का बेसिकली पर्पस क्या होता है और इसकी शुरुआत क्यों की गई है? ऐसा जी कि पैलिएटिव केयर का मेन पर्पस जो होता है कि जीना मरना तो भगवान के हाथ में है। जब मैंने जाना है, ना उससे पहले जाना है ना बाद में जाना है। और आप कह भी दें कि ये लाइलाज है, आप कह भी दें कि ये जड़ से ठीक होनी संभव नहीं है, उसके बावजूद भी ये डिपेंड करता है कि मैंने महीनों जीना है कि मैंने सालों जीना है कि मैंने दशक जीना है। और ऐसे भी मरीज हैं जिनको फोर्थ स्टेज की डिजीज़ होती है लेकिन वो कई साल तक जीते हैं। तो ये सोच के ही हम लोगों ने अब ये एक धर्मशिला राहत मेडिकल सेंटर का आरंभ करने जा रहे हैं, वो जनवरी में शुरू हो जाएगा। क्या सिर्फ ये कैंसर के पेशेंट के लिए होगा या वैसा हर ड्रेडेड बीमारी जिसमें पेशेंट आखिरी स्टेज पर पहुंच जाता है वो और वो जीवन से निराश हो जाता है, उसके परिवार के लोग भी बहुत सारी उलझनों में रहते हैं, तो क्या तमाम ऐसी लाइलाज बीमारियों के पेशेंट को केयर मिल सकेगा? पैलिएटिव केयर का महत्व यही है कि ये खाली एक बीमारी के लिए सीमित नहीं है, ये देखभाल है। तो देखभाल कोई भी रोगी जो कि जड़ से ठीक नहीं किया जा सकता, लंबी बीमारी से चल रहा है और उसका जीवन खतरे में है, उसके लिए है। चाहे वो कैंसर है, चाहे वो दिल की बीमारी है, चाहे वो फेफड़े की है, गुर्दे की है, जिगर की है, दिमाग की है। आपको लगता है कि इंडिया में ऐसे पेशेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा है और उन्हें इस तरह का केयर मिलेगा तो उनका जो बाकी का लाइफ है वो काफ़ी क्वालिटी वाला लाइफ होगा? वो देखिए जी, अभी तक इसके बारे में लोगों को जानकारी की कमी है। तो ये जो पैलिएटिव केयर डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, ये भी तो एक नया ही तरीका है। पहले कौन मना रहा था पैलिएटिव केयर डे? तो इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि लोगों तक जानकारी पहुँचाना और लोगों की जागरूकता बढ़ाना। और हमारा काम ही है इनको मोटिवेट करना, इनकी आशा जो मर गई ही है उसको जगाना, ताकि वो अपने आप को गौरव से जी सके, अपने आप को ठीक समझ सके कि नहीं, मेरी कोई उक्कत कम नहीं हो गई है, मेरी कोई उक्कत कम नहीं हो गई है, मैं भी समाज में सिर उठा के अच्छे से जी सकता हूँ। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि इस मोटिवेशन के पीछे क्या आपके फादर की बीमारी है या आप? देखिए, ऐसे है कि मेरे पिताजी ने पैलिएटिव केयर ली, मेरी माताजी को भी पैलिएटिव केयर की जरूरत थी, अब मेरे बड़े भाई को भी पैलिएटिव केयर की जरूरत है। तो मैंने तो तीनों के लिए करी, अपने परिवार के लिए करी और अकेले ने करी। जो इनक्योरेबल पेशेंट हैं उनकी संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो यह संख्या भी बढ़ेगी और हमारा जो लाइफस्टाइल है वो भी खराब होता जा रहा है और हमारी लॉन्जिटिविटी भी बढ़ती जा रही है। तो ये रोगियों का 57 लाख लोगों को हर साल पैलिएटिव केयर की आवश्यकता है। तो आपने एक बहुत इम्पॉर्टेंट आंकड़ा बताया कि हर साल 57 लाख ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको पैलिएटिव केयर की ज़रूरत है। आपको ये लगता है कि आपका ये प्रयास खास करके उत्तरी भारत में ये कितने पेशेंट्स को पैलिएटिव केयर की ज़रूरत पूरी कर सकेगा? दाल में नमक, उतनी ही कर पाएगा। तो जब मेरे मन में भी ये मेरे पिताजी की डेथ हो गई तो मेरे को लगा कि जो सेवाएं मैं उनको नहीं दे पाई क्योंकि अवेलेबल नहीं है हमारे दिल्ली शहर के अंदर, राजधानी के अंदर अवेलेबल नहीं है। मुझे धक्के खाने कभी यहाँ जाना पड़ता है, वहाँ जाना, ये सुनने के लिए कुछ नहीं हो सकता। तो ये सुन के जो मेरा दिल दुखता था, आई वॉन्टेड टू ट्रांसफॉर्म दैट सीन इन नॉर्थ इंडिया
और 1994 में हमने उत्तरी भारत का पहला धर्मशाला कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर शुरू किया। तो हम भी 6-7 साल 8 साल भुखमरी में जिए, खूब भुखमरी में जिए, लेकिन मन में ये था कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम भुखमरी में जी रहे हैं तो कोई बात नहीं, किसी की जान तो बच रही है ना, किसी को फायदा तो हो रहा है ना। फाइनली 8 साल के बाद हम वायबल हो गए। जब हम वायबल हो गए तो पूरी दिल्ली के अंदर लाइन लग गई कैंसर हॉस्पिटल की। तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि हम भी पैलिएटिव केयर सेंटर का एक, जैसे कहते हैं कि एक चैलेंज ले रहे हैं कि कोई बात नहीं, 8 साल बाद 10 साल बाद शायद हम भी वायबल हो जाएंगे। जो ही हम वायबल हो जाएंगे लाइन लग जाएगी। तो डॉक्टर खन्ना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस शानदार प्रयास करने के लिए और शुभकामनाएं भी। हमारे साथ आप जुड़े और ये तमाम जानकारी आपने साझा की, इसके लिए एक बार फिर से धन्यवाद। इस साल हम इस दिन को लीव नो वन बिहाइंड इक्विटी इन एक्सेस टू पैलिएटिव केयर थीम के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि आज भी 88% लोग दुनिया भर में ऐसे हैं जिन्हें पैलिएटिव केयर की ज़रूरत होने के बावजूद ये केयर उन्हें मिल नहीं पाती है। आज के लिए बस इतना ही, अब हमें दीजिए इजाज़त, हम कल फिर हाजिर होंगे। तब तक आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान रखिए।